मार्केट बहुत क्या लगा रहा था दैट द न्यू जनरेशन दैट विल बी कमिंग आउट इन द मार्केट। नंद कुमार जी, प्रोडक्ट के बारे में मैं कोई भी कमेंट दे नहीं सकता हूँ। तो मान के चले कि शियाज की वापसी बहुत जल्दी होने वाली है। मार्केट इस वक्त आपको पार्थो सर कैसा लग रहा है? बेस बहुत हाई था, लास्ट ईयर की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। उस बेस के ऊपर में बहुत एक और अनदर हाई ग्रोथ उम्मीद नहीं है। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाती है गाड़ी की, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो माइलेज होती है वो जो आपने पढ़े होंगे कई जगह पर कम हो जाते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ, अब रास्ते में टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा, खुदा ना खासा दिक्कत, तो चार्ज क्या कराऊंगा। आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज ऑल्सो आपकी इमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली गुड है। स्विफ्ट के आने के बाद अब डिज़ायर की बारी है, तो इस फेस्टिव सीजन को और फेस्टिव बनाएगी डिज़ायर की मौजूदगी। नमस्कार दोस्तों, जागरण हाईटेक के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते जब हमारी मुलाकात होती है तो बड़े ही खास मेहमान होते हैं, लेकिन आज जो मेहमान है वादा करता हूँ आखिर तक वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि हर जवाब एक खबर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्थो बनर्जी, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के, या वो कंपनी जो कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का यूं कहिए कि दशा और दिशा को तय करती है, द मार्केट लीडर। पार्थो सर, बहुत बहुत शुक्रिया जागरण के लिए समय निकालने के लिए। सर, एक जो सबसे बड़ा सवाल है ना, या सबके जहन में रहता है, वो यही रहता है कि क्या वो चीज़ है, क्या वो मूल मंत्र है जिसकी वजह से मारुति सुजुकी जो है और उसकी जो गाड़ियाँ, जो 18 गाड़ियाँ जो कि आने वाले समय में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2030 तक आपका पोर्टफोलियो बढ़ के 24 से 30 तक का हो जाएगा, और 3 मिलियन गाड़ियों का सालाना प्रोजेक्शन जो आप कह रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि कस्टमर्स कीप मारुति क्लोज टू देयर चेस्ट। व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न जो आप मानते हैं कि मारुति की गाड़ियाँ भारतीय कस्टमर्स में और बाहर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है? नंद कुमार जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। हमको इस कंट्री में 40 साल हो गए हैं जी, और शुरू से ही हम लोगों ने एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश की है कि हम कस्टमर्स को क्या चीज़ दे सकते हैं जो कि उसके लिए उपयोगी हो। जैसे शुरुआत में जब हम आए थे, तब आपको याद होगा हम जो गाड़ियाँ लाए थे, हम बात करते थे माइलेज की, क्वालिटी ऑफ व्हीकल, सर्विस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हमने एक चीज़ देखा कि कस्टमर को एक बड़ी चिंता होती है कि नेटवर्क अच्छी होनी चाहिए। वी गिव दैट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट टू द कस्टमर कि भाई आप गाड़ी बेझिझक चलाइए, जहीं पे भी जाइए आपको सर्विस मिलेगी। आज हमारी जो नेटवर्क है, इतनी बड़ी नेटवर्क है, 4000 हमारे आउटलेट है, 5000 हमारे सर्विस स्टेशन है। आप कंट्री के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ना कस्टमर की नीड्स को समझना चाहिए। कस्टमर बड़ा इवॉल्व हो रहा है, टाइम टू टाइम उसकी नीड्स चेंज हो रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट टाइम राइट चीज़ पिच करना। आपको अपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, डीजल जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में जी, वो आज भी 18% है, हम नहीं है उसके अंदर में। हमने कहा था कि हम धीरे धीरे कैसे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, कैसे वी कैन कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट, हम सीएनजी गाड़ी पे गए। आज इंडस्ट्री का जो सीएनजी का कंट्रीब्यूशन है, यदि 100 गाड़ी बिक रही है, वो 18.2% है, डीजल से ज़्यादा हो गई है। एक तरीके से आप सोच के देखिए कि एक कस्टमर के लिए कितनी अच्छी चीज़ है, और वो उस चीज़ को बड़ी अच्छी तरीके से एम्ब्रेस कर रहा है कि आज उसकी कंट्रीब्यूशन 18.2% हो गई है। इसलिए कर रहा है कि उसको उसके अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन दिखती है, कॉस्ट ऑफ रनिंग जो है उसकी डीजल के मुकाबले में सस्ती बढ़ती है। एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जो आप कॉस्ट ज़्यादा देते हो किसी टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन उसकी रिकवरी भी आपकी जल्दी हो जाती है, तो कस्टमर को दिक्कत नहीं होती है। यदि आप सीएनजी की गाड़ी को एवरेज पे 60 किलोमीटर रोज चलाते हो, मैंने कि 2000 किलोमीटर की बात करता हूँ, तकरीबन 2 साल के अंदर में आप कॉस्ट रिकवर कर लेते हो। दूसरा है, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, टू द मदर नेचर। तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपको कस्टमर की पल्स को समझना चाहिए, और उसके हिसाब से यदि आप उसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, एंड लिसनिंग टू कस्टमर बहुत ज़रूरी है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया पार्थो सर, की जो सीएनजी का कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो बात मारुति बहुत पहले समझ गया था कि डीजल का धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगेगा, वो शायद इंडस्ट्री में बहुत क्लियर भी हो चुका है। लेकिन अब सूर्योदय किसका होगा, क्योंकि इंडस्ट्री कई धड़ों में बटी हुई है। इलेक्ट्रिक की बात होती है, हाइब्रिड की बात होती है, फ्यूल सेल की बात होती है, हाइड्रोजन की बात होती है, और शायद निगाहें मारुति की तरफ रहती हैं।
वो ये सोचकर, क्योंकि मारुति के डिसीजन जो होते हैं ऑन ट्रैक होते हैं, शायद यही वजह है कि मारुति सीधा इलेक्ट्रिक बैंडवैगन में बाकी मैन्युफैक्चरर्स की तरह नहीं आया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से अभी हमें डिप दिख रहा है वो भी इसकी तरफ एक इशारा है। तो क्या आने वाले 3-4 साल की अगर बात मैं करूं, और मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आने वाली हैं, लेकिन उस लिहाज से भी आइस और इलेक्ट्रिक, या अगर हम ऑल्टरनेट फ्यूल की बात करें, तो किस तरफ अभी भी कस्टमर्स का झुकाव ज़्यादा रहेगा और क्यों रहेगा? नंद कुमार जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं इसका आंसर इस तरीके से देना चाहता हूँ, मारुति एज ए कंपनी जो है टेक्नोलॉजिकली एग्नोस्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम हर चीज़ कस्टमर को ऑफर करना चाहते हैं। बीइंग ए मार्केट लीडर, हम आइस में हैं, हम सीएनजी में हैं, हम सीबीजी में भी काम कर रहे हैं, हम इथेनॉल में भी काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है हमारे पास, है हमारे पास में स्मार्ट हाइब्रिड भी है, हम ईवी में भी आएंगे जी। तो ये कस्टमर को चॉइस एंड ऑप्शन देना चाहिए। और दूसरी चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज बात होती है, जो सब कोई बात कर रहे हैं कि हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, इमिशंस को कम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली फ्रॉम द ह्यूमन काइंड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट हमारा रोल इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखिए सीएनजी को एम्ब्रेस किया, इस आपको मालूम है सीएनजी व्हीकल के इमिशंस इज नेग्लिजिबल, कुछ है ही नहीं, इट इज़ हेल्पिंग अस मोर टूवर्ड्स द ग्रीन डायरेक्शन। दूसरा है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, हमारी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, कस्टमर को जो सहूलियत चाहिए। आज आप मान के चलिए आपको यदि आज दिल्ली से जयपुर जाना हो, बीच में आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे, यदि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाती है गाड़ी की, बिल्कुल, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो माइलेज होती है वो जो आपने पढ़े होंगे कई जगह पे कम हो जाते हैं जी। तो आज मैं जा रहा हूँ, अब रास्ते में टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा, खुदा ना खासा दिक्कत, तो चार्ज क्या कराऊँगा। आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज ऑल्सो आपकी मिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली गुड है, आपको एक पीस ऑफ माइंड रहती है कि भाई मैं इसको बैटरी में भी चला रहा हूँ, जब ज़रूरत पड़े कहीं भी ऐसी जगह हो जहाँ मुझे चार्जिंग नहीं मिलती है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसको एक कन्वेंशनल आइस व्हीकल की तरह भी चला सकता हूँ। कस्टमरों को माइलेज बड़ी अच्छी मिलती है, 27-28 किलोमीटर, बिल्कुल, एक बार टैंक फिल कराइए ग्रैंड विटारा की तो 1200 किलोमीटर आप गाड़ी चला सकते हैं, 4 चक्कर लगा लेंगे आप जयपुर के आना जाना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कस्टमर की कन्वीनियंस कहाँ है, आप ऑप्शन दीजिए कस्टमर को, मैं ये कहता हूँ आप उसको ऑप्शन दीजिए, जो भी उसको पसंद हो उसको वो लेना चाहिए, उसकी नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। तो इस चीज़ में मैं कहूँगा कि विन मारुति फील कि आप कस्टमर्स को बांधिए मत एक टेक्नोलॉजी के साथ में, उसको आप चॉइसेस दीजिए एंड लेट द कस्टमर वॉइस मिलेगी वो आगे बढ़ेगा। नहीं, आप सारे रखिए, हर नीड के लिए कस्टमर्स होंगे, ईवी के भी कस्टमर्स हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के भी कस्टमर्स हैं, सीएनजी के भी कस्टमर्स हैं, हर तरह के टेक्नोलॉजी के लिए कस्टमर्स होंगे। बीइंग अ मार्केट लीडर हमें हर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए। सर, ये जो आपने कहा ना टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक हैं, और हमने अभी हाइब्रिड की बात करी, हाइब्रिड के मुतल्लिक एक बहुत ही उम्दा डिसीजन था जो मार्केट को खासकर बहुत पसंद आया था, जो यूपी सरकार की तरफ से टैक्स में जो रियायत दी गई, जिसकी वजह से हाइब्रिड जो है वो और भी ज़्यादा वायबल ऑप्शन लगा। ये जो डिसीजन लिया गया है ये भी कुछ अच्छा मान रहे हैं, कुछ बुरा भी मान रहे हैं, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जिससे कह रहे हैं कि जो ईवी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा एक बैकफुट लेने की बात हो गई है। आप क्या मानते हैं कि अगर ये डिसीजन बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनाती हैं, हाउ गुड इट इज़ फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? नंद कुमार जी, मैं आपको एक डाटा देता हूँ, फिर आप इसका मुझे जवाब दे देंगे। 2030 में हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल की होगी वो 6 मिलियन की होगी। ईवी की जो आपकी मार्केट होगी गिव एंड टेक 15-17%, 1 मिलियन होगी। 5 मिलियन तब भी जो गाड़ियाँ होंगी आपकी वो आइस वाली होंगी, 83% गाड़ियाँ तब भी आपकी आइस वाली होंगी। यदि आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में लेके जाते हो, इमिशंस को कम करते हो, वो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है या ख़राब है, आप बताइए। बिल्कुल, और ये मैं हॉट सीट पर बैठ गया हूँ, बट मैं अपने दर्शकों को भी साथ में हॉट सीट पर लूँगा, क्योंकि एक बहुत ही उम्दा, आप कैलकुलेशंस खुद करके दे सकते हैं, एंड दिस इज़ द इंडस्ट्री लीडर दैट वी आर दैट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, कि अगर 2030 तक 6 मिलियन गाड़ियों का सपना आप देख रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 15% गाड़ियाँ, 1 मिलियन करीब गाड़ियाँ ही होंगी जो कि इलेक्ट्रिक पर मौजूद होंगी, और बाकी गाड़ियाँ
हाइब्रिड या फिर आपको आइस इंजन पे ही नजर आने वाली है। ऐसे में क्या हाइब्रिड फायदे का सौदा नहीं है? और उन मैन्युफैक्चरर से भी एक तरह से सवाल है ये कि आप क्या मानते हैं इलेक्ट्रिक पे जो इन्वेस्टमेंट अभी की जा रही है वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए आगे आने वाले समय में वायबल रहेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा, आपके उत्तर आपके कमेंट्स पे हमारी भी नज़र रहेगी। पार्थो सर, इस पे तो हमारी नज़र रहेगी कि व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस बारे में, बट एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है जिसकी आप बात करें, क्योंकि 6 मिलियन गाड़ियाँ भारतीय सड़क पर, उसमें से 3 मिलियन गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की तरफ से आप कह रहे हैं, इसमें कितना हिस्सा आप मान के चल रहे हैं नेक्सा की तरफ से, कितना हिस्सा एरीना की तरफ से, एक अगर आप ब्रॉड प्रोजेक्शन बता सके, क्योंकि अभी दोनों हाफ हाफ हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आने वाले समय में प्रीमियम की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा, क्योंकि छोटी गाड़ियों का जो बड़ा बाज़ार पहले हुआ करता था वो बाज़ार भी अब बहुत सिकुड़ चुका है। क्या ऐसे में मारुति सुजुकी आने वाले समय में नेक्सा की तरफ, प्रीमियम गाड़ियों की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि एक लंबी पाइपलाइन है जिसकी 2030 तक हम बात कर रहे हैं? नंद कुमार जी, फ्यूचर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ जी, बट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव फिर देना चाहता हूँ। आज के तारीख में ऑटो इंडस्ट्री की जो मेजरमेंट होती है कंट्री के ऊपर, कार पेंट्रेशन पर 1000 जी, कितने लोगों के पास में गाड़ी है 1000 लोगों में, हमारी इंडिया की आज है 32 जी। आप यदि आज बात करें डेवलप मार्केट्स की, यूएस हो, जापान हो, तो वहाँ 600, 700, 800 के रेंज पे होती है। हम लोगों ने एक जो एस्टीमेट लगाया है कि 2030 में 44 लोगों के पास में गाड़ी होगी पर 1000 कार पेंट्रेशन, उसके हिसाब से 6 मिलियन की इंडस्ट्री होगी, 6 मिलियन की। तो 44 पर 1000, जिस तरीके से भारत की जो ग्रोथ हो रही है, आप जीडीपी ग्रोथ को देखिए, 7.2% की प्रोजेक्शन आई है जी। तो आई थिंक कि एवरी पैरामीटर इज ऑन द राइट ट्रैक एंड ग्रोथ क्यों नहीं होनी चाहिए जी। हम बैठे हुए हैं जहाँ पे कि हमारी इंडिया हैज़ टू ओनली गो अप, देर इज़ नो वे। और 44 पर 1000 होने पे 6 मिलियन की इंडस्ट्री है, तो हम लोग उस पर 3 मिलियन ही गाड़ी की सोच रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं। आप देखेंगे, आप इंडस्ट्री को देखेंगे, उस टाइप की वॉल्यूम को देखेंगे, तो आपको लगेगा, आज के हिसाब से देखेंगे तो आपको थोड़ी अलग पर्सपेक्टिव लगेगी, बट आपको थोड़ा सा अपने को 2030 तक लेके जाना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा। 6 मिलियन गाड़ियों का यानी कि एक बहुत बड़ा सपना है जो कि इस वक्त मारुति सुजुकी की तरफ से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और शायद ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रांग रोबस्ट पोजीशन को भी दर्शाता है। शेयर मार्केट भी, मारुति का शेयर अगर हम कहें तो वो भी इसकी गवाही देता है। हमने अभी जिन चीज़ों की बात करी है, छोटी गाड़ियों से जो बाज़ार बदल रहा है उसकी बात करिए, पार्थो सर ये समझना चाहूँगा, क्योंकि एक समय था, क्योंकि हमने भी पिछले अपने 2 दशक के करियर में देखा कि किस तरह से गाड़ियाँ इवॉल्व हुई हैं और किस तरह मारुति सुजुकी भी अपनी गाड़ियों में इवॉल्व होता रहा है। हर 25,000 पे एक नया मॉडल मौजूद हो जाता था, आजकल गैप थोड़ा बढ़ गया है, खासकर जो 3 बड़ी गाड़ियाँ या 3 SUVs कह लीजिए जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, फ्रॉन्क्स, इनविक्टो और ग्रैंड विटारा। बहुत कम लोगों ने सोचा था, हम भी खुद उनमें मौजूद थे, कि मारुति का जो कस्टमर है वो शायद 20 लाख के ब्रैकेट की गाड़ी नहीं लेगा, लेकिन आज वो स्थिति बदल चुकी है। क्या वो चीज़ है जिसने ब्रांड फिलॉसफी को, या यूं कहिए कि कस्टमर्स का ब्रांड को लेके जो नज़रिया था उसको बदल के रख दिया, एंड पीपल आर क्यूइंग अप फॉर प्रीमियम व्हीकल लाइक इनविक्टो? मैं आपको 2015 में लेके चलता हूँ, जब हमने नेक्सा चैनल को लॉन्च किया। नेक्सा चैनल को लॉन्च करने का पर्पस था टू गिव ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये जो कस्टमर्स हैं जो कि हाई एंड गाड़ी के लिए आना चाहते हैं, इनको सोच के हमने ये पूरा नेक्सा चैनल को बनाया था। बट मारुति एज ए कंपनी ने 2015 में जब लॉन्च किया था नेक्सा को, उस जमाने में हमने इसको पूरा डिजिटल शोरूम बनाया था, कि ये बहुत डिजिटल सेवी हैं, ये हर चीज़ अपना मोबाइल के थ्रू करना चाहते हैं। हमने उस जमाने में सिस्टम्स एंड ऐप्स बनाए थे जिससे कि कस्टमर को वो एक्सपीरियंस दे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया था मारुति ने, उसका रिजल्ट है कि हमने धीरे धीरे हमारी इमेज जो है, फ्यूल एफिशिएंसी, ट्रस्टवर्दीनेस, वैल्यू फॉर मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्ट्रांगली बिलीव इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू होल्ड ऑन द पोजिशनिंग। बट साथ में आज जो नया कस्टमर आ रहा है, जो यंग जनरेशन आ रही है, उनकी नीड्स को समझते हुए हम यदि उसको बेटर एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, टुडे इट इज़ ऑल एक्सपीरियंसेस विच मैटर्स। और आज आप देखिए तो हर कोई कोशिश कर रहा है कि हाउ टू गिव ए बेटर एक्सपीरियंस विच इज़ रेलिवेंट टू कस्टमर।
देन ओनली द कस्टमर इज एबल टू डू। तो हमारा भी ये निरंतर कोशिश है कि हम कस्टमर्स को और समझें और उनको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। सर आपने नेक्सा की बात करी है, एक्सपीरियंसेस के लिए तो मैं भी बिकॉज डिस्क्लेमर के रूप में बोलना चाहूँगा कि मैं खुद भी भारत में सभी कभी ना कभी मारुति सुजुकी के कस्टमर रहते हैं, मैं खुद भी ग्रैंड विटारा का कस्टमर हूँ एंड सर्विस इज समथिंग दैट आई हैव फेल्ट माई सेल्फ। और अभी तो आपने नई वारंटी की स्कीम भी जो शुरू की है वो भी एक, दिस ऑल्सो शोज द कॉन्फिडेंस दैट मारुति सुजुकी इज़ हैविंग ऑन देयर व्हीकल। इस तरीके की एक वारंटी लाना, एक्सटेंडेड वारंटी भी उसके मुतल्लिक पीछे पीछे बढ़ गई, ये प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, मार्केट के ऊपर भरोसा है या फिर कस्टमर्स की डिमांड? ये जो हमने वारंटी दी है, हमने काफ़ी स्टडी की है इसके अंदर में कि कैसे कस्टमर का हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को और कम करते जाएं। और इसको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जनरली हमने देखा है कि कस्टमर 5 से 6 साल तक गाड़ी को रखता है, 6 years इज द एवरेज एज। मैं भी एक साल, एक तरीके से वो 6 साल तक के लिए बोल दूँ, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड दे दूँ कि आप गाड़ी के बारे में सोचिए मत भाई, हम सब चीज़ का ख्याल रखेंगे, आप सिर्फ साल में एक बार आके अपनी गाड़ी का एक रूटीन सर्विस तो कराइए, बट वॉट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने इसलिए कहा कि स्टैंडर्ड वारंटी हमने 1,00,000 किलोमीटर कर दी 3 साल के लिए, और उसके ऊपर हमने कहा कि आप और हर साल यदि 20,000-20,000 किलोमीटर चलाते हैं, 1,60,000 किलोमीटर तक भी चलाते हैं, साहब सोचने की ज़रूरत नहीं, प्योरली टू गिव एन एश्योरेंस टू द कस्टमर एंड द पीस ऑफ माइंड। कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज है सर, हर चीज़ मीट करना। बिल्कुल है, अब 6 साल की आप वारंटी दे रहे हैं, 1,60,000 तक दे रहे हैं, एंड आप देखिए कि एट लिटरली एट ए प्राइज विच इज सो आई थिंक लो टू द कस्टमर कि नो कस्टमर कैन डिनाई इट। हमारी एक्सटेंडेड वारंटी में हम चाहते हैं कि कस्टमर को एक एश्योरेंस हम दे सकें, एंड दैट वी आर डूइंग इट। अगर मैं गलत नहीं तो SUVs में भी मार्केट शेयर जो है आपका वो लगातार बढ़ रहा है, बीच में ऐसे महीने भी थे जब आप नंबर 1 SUV मेकर थे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। पर दो जो पोर्टफोलियोज़ हैं, और क्योंकि आपने नेक्सा की बात करी थी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेक्सा के प्लेटफॉर्म से आने वाली पहली गाड़ी शायद शियाज थी, एस क्रॉस थी जी हाँ, मैं भूल नहीं सकता, बलिनो आई थी। तो वो एक ऐसा ब्रैकेट, और छोटी गाड़ियों का भी एक ऐसा ब्रैकेट है जहाँ से मैन्युफैक्चरर्स अब नदारद होते हुए नजर आ रहे हैं, और मारुति सुजुकी की भी मौजूदगी हर सेगमेंट में रहती है। तो क्या हम ये माने कि सेडान सेगमेंट में, खासकर प्रीमियम सेडान सेगमेंट में जहाँ शियाज की मौजूदगी थी, वहाँ एक बार फिर मारुति अपनी मौजूदगी को दर्ज कराएगी, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हो चुका है? प्रोडक्ट के बारे में बात कर नहीं सकता नंद कुमार जी, बट आज की तारीख में ये आप सही कह रहे हैं, SUV की तरफ रुझान ज़्यादा है। जो भी ऑल्टरनेट गाड़ी बिक रही है इंडिया में, 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है SUV का आज टोटल गाड़ी सेल के अंदर में, तो दौर की बात होती है। बट हमने देखा है कि देर आर डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स जिनको कि सेडान ही पसंद है, उनको लो सीटिंग वाली गाड़ी चाहिए, गाड़ी के अंदर से निकलना और बाहर करना उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जनरली हमने ओल्ड एज लोगों को देखा है, वो बोलते हैं SUV में थोड़ा जो ऊपर चढ़ना होता है उनके लिए दिक्कत होती है, जिनको कि नीज में प्रॉब्लम है वो चाहते हैं लो सीटिंग वाली गाड़ी हो, कंफर्टेबल स्पेशियस हो। तो इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे कि अब मुझे लगता है 150 करोड़ की आबादी होगी हमारी, हर तरह के लोग हैं। एज ए मार्केट लीडर मेरी ये सोच है कि हमको हर सेगमेंट को कैटर करना चाहिए। तो मान के चले कि शियाज की वापसी बहुत जल्दी होने वाली है, ये मान कर हमारी चल रही है। नहीं, हम न्यू शियाज की बात करें, क्योंकि मार्केट बहुत कयास लगा रहा था दैट द न्यू जनरेशन दैट विल बी कमिंग आउट इन द मार्केट। नंद कुमार जी, प्रोडक्ट के बारे में मैं कोई भी कमेंट दे नहीं सकता। राइट सर, स्विफ्ट आ चुकी है, जब स्विफ्ट आ चुकी है तो ऑब्वियसली सबकी निगाहें डिज़ायर पे होंगी, और फेस्टिव सीजन आने वाला है, और मारुति सुजुकी जो है फेस्टिव सीजन को हमेशा रोचक बनाता है अपने नए प्रोडक्ट्स को उतार कर। क्या हम मानकर ये चल सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट के आने के बाद अब डिज़ायर की बारी है, तो इस फेस्टिव सीज़न को और फेस्टिव बनाएगी डिज़ायर की मौजूदगी? अभी हमने स्विफ्ट लॉन्च की है, रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। हम देख रहे हैं कि अभी हमने CNG वेरिएंट तो हमारी अभी स्विफ्ट की हमने लॉन्च नहीं की है, पेट्रोल वेरिएंट ही की है, लेकिन पेट्रोल वेरिएंट के लॉन्च के साथ भी हम एवरेज पे 17-18 हज़ार गाड़ी हर मंथ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। हम पहले जो था लॉन्च से पहले हम पेट्रोल में 10-11 हज़ार कर रहे थे, और CNG गाड़ियाँ मिला के हम 13-14 हज़ार कर रहे थे, अब हम सिर्फ पेट्रोल में इतना कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी ब्रांड इक्विटी स्विफ्ट की कितनी पावरफुल है आपकी, कि 3 मिलियन की हमने सेल कर ली थी, हमने बड़ी रिसेंटली,
एंड हम बड़े बड़े धन्यवाद हम देना चाहते हैं आपको सारे स्विफ्ट कस्टमर्स को भी कि जिन्होंने इतना प्यार दिखाया है इस ब्रांड के लिए, वन ऑफ द वेरी आइकॉनिक एंड पावरफुल ब्रांड स्विफ्ट। सो सवाल वहीं पे रह गया सर, क्योंकि दर्शकों में एक जिज्ञासा तो बनी रहती है, तो ये साल क्या डिज़ायर फेस्टिव सीजन में? अभी जब कुछ आएगा तो नंद कुमार जी आपको बुलाएंगे, फिर हम आपके साथ में करेंगे गुफ्तगु करेंगे और आपको तो आपको थोड़ा उसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि डिज़ायर की मौजूदगी इस साल किस महीने में आएंगे। लेकिन हमारे कहते हैं कि फेस्टिव सीज़न मारुति सुजुकी ने कभी निराश नहीं किया है, तो ये फेस्टिव सीज़न भी आप इंतज़ार ज़रूर करें इस डिज़ायर का। मार्केट इस वक्त आपको पार्थो सर कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने अपनी प्रोजेक्शन जो दी 2030 तक के लिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही रोबस्ट है, लेकिन इंडस्ट्री की प्रोजेक्शन किस दिशा में जाती लग रही है? आपका इवैल्यूएशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए क्या रहेगा? कोविड के बाद में एक पेंट अप डिमांड थी, जिससे कि हमने देखा कि जो ग्रोथ्स हुए थे बहुत हाई ग्रोथ हुए थे। अब उस हाई बेस के ऊपर हम एक देख रहे हैं कि मार्केट अब जो है एक तरीके से स्टेबल हो रही है एक्चुअली। तो अभी इलेक्शंस का टाइम था, फिर जो अब की बार में जो आपकी सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया में जो हीट वेव थी एक्चुअली ऑलमोस्ट 50 डिग्री वाला, तो दोपहर के टाइम में तो कोई बाहर ही नहीं निकलता था, और तब कोई टेस्ट ड्राइव क्या लेगा उस गर्मी के अंदर में। तो हम लोग शाम को और रात को काफ़ी इवेंट्स करते थे, कस्टमर तक पहुँचते थे। तो आई थिंक इंडस्ट्री जो है एक तरीके से इस साल जो है थोड़ी म्यूटेड ही रहेगी, सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ रहेगा, ज़्यादा कोई ग्रोथ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जो कि पहले का भी फोरकास्ट था वही फोरकास्ट वही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बेस बहुत हाई था, लास्ट ईयर की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, उस बेस के ऊपर में हमको एक बहुत एक और अनदर हाई ग्रोथ उम्मीद नहीं है। और मारुति सुजुकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस फॉर अ लॉन्ग, आपने इंडस्ट्री को पूछा, मैंने कहा म्यूटेड है। अब मैं मारुति ऑलवेज आउट परफॉर्म्स इंडस्ट्री, नहीं बट जनरली एक है हमारी भी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, तो इस साल हमें यही लगता है कि इट विल बी मोर और लेस बी ए म्यूटेड ग्रोथ ऑनली दिस फाइनेंशियल ईयर, अनलेस अंटिल देयर आर सम गुड पॉलिसीज कमिंग एंड we are always hopeful for that. Fantastic. बजट को लेकर सर मैं कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि हम खुद उसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इस बार शायद कुछ बहुत अच्छी घोषणाएं हैं जो कि देखने को मिल सकती है। लेकिन जाते जाते ना मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, विच इज़ अदर देन प्रोडक्ट एंड द मार्केट, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, CSR एक्टिविटीज़ या अदर एक्टिविटीज़ जिसके साथ मारुति सुजुकी हमेशा जुड़ा रहता है, और ऐसी खूबसूरत एक्टिविटीज़ में एक है स्टार्टअप इनक्यूबेशन की तरफ, जो मारुति सुजुकी हमेशा से बड़ा ही सपोर्टिव रहती है। अब ग्लोबल स्टार्टअप्स को भी लाने की और सपोर्ट करने की बात हो रही है, क्या आप थोड़ा सा उन स्टार्टअप में जो आना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द काइंड ऑफ अमाउंट स्टार्टअप इनक्यूबेशन और उसका फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसा होगा? नंद कुमार जी, ये एक इनिशिएटिव था मारुति की तरफ से, अंडर द मेल प्रोग्राम था ये, एक हमारा एक ये बिजनेस वर्टिकल है डिजिटल एंटरप्राइज, उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया है, और पर्पज़ ये है कि हम स्टार्टअप कंपनीज़ को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनकी जो भी कॉन्सेप्ट है हम उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करने के लिए उनको मौका देते हैं, और जो विनर्स होते हैं हम उनको रिवार्ड करते हैं, और उनको हम एक ट्रिप भी देते हैं फॉर गोइंग टू जापान एक्चुअली। तो उस प्रोग्राम के अंडर में हम लोगों ने यही होते हैं कि हम एक साथ साथ काम करना चाहते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टार्टअप कंपनी हो, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके वो कोई कॉन्सेप्ट लाता है, तो हम उसको पूरा मौका देते हैं कि आप अपना जो कॉन्सेप्ट को प्रूव करिए, इस पर काम करिए, इसको फर्दर रिफाइन करिए। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन एक्चुअली, एंड इस प्रोग्राम में हमारे काफ़ी स्टार्टअप कंपनीज जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। सर इसमें परसों जुड़ने का तरीका क्या है, क्योंकि कई सारे लोग इसमें ना वो निकालते हैं, आपके वेबसाइट पे निकालते हैं जी, जो भी इंटरेस्टेड हो स्टार्टअप कंपनीज होते हैं दे कैन अप्लाई, उसके बाद में हमारी एक क्राइटेरियन स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है जो कि हमारी जो डिजिटल एंटरप्राइज टीम होती है वो उसको पूरा करती है, एंड देन उनको समझा जाता है, और उसके आगे फिर चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। जो भी दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे कि तरीका जो है इससे जुड़ने के लिए बेहद आसान है। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हैं या फिर आप किसी तरीके से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लगता है कि कामयाब हो सकता है या कारगर हो सकता है मारुति सुजुकी के लिए भी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। पार्थो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कई सारी चीज़ों पर रोशनी डाली, आपने मार्केट की दशा और दिशा को भी क्लियर कर दिया, कई चीज़ों से
अभी भी आप या यूं कहिए कि सीक्रेसी बरकरार है, और शायद वो सीक्रेसी का ही असली मज़ा है जो कि हमें भी ऑन आवर टोज रहता है, हमारी भी एक्साइटमेंट बनी रहती है, और वो है मारुति सुजुकी के प्रोडक्ट्स को लेकर। उसके लिए हम दोबारा जुड़ेंगे, जैसा कि सर ने कहा कि जैसे ही नए प्रोडक्ट आएंगे वो दर्शकों तक वो चीज़ें पहुँच जाएंगी। बट कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर द स्विफ्ट एंड द अमेजिंग नंबर दैट इज क्रिएटेड, एंड सुपर लक फॉर द 2013 प्रोजेक्शन दैट यू हैव शेयर्ड फॉर द मार्केट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू बहुत।